नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और दिल्ली में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनमें वैकेंसी आई है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, पर्सनल असिस्टेंट की, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की, जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। और इसमें पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए आपके पास डिग्री होना अनिवार्य है, वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप सिर्फ 12th पास होने चाहिए। तो इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, पेज क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं वैकेंसी कितनी कितनी आई हैं। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी आई है 41, वहीं पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी आई है 527। इसके अलावा जो पर्सनल असिस्टेंट भर्ती होंगे प्राइमरी जज फैमिली कोर्ट में, उनके लिए वैकेंसी आई है 28। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की वैकेंसी आई है 161। वहीं अगर हम डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आई है 12। डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट की वैकेंसी आई है 2। और इसमें अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ ये सैलरी मिलेगी आपको पे लेवल 8 में पर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए, वही पर्सनल असिस्टेंट के लिए मिलेगी लेवल 7 में। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए मिलेगी लेवल 5 में, वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मिलेगी 25,500 वाले ग्रेड में। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्टिंग की डेट है 16 सितंबर और लास्ट डेट है 6 अक्टूबर। आप 6 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं, फीस जमा करा सकते हैं। टीयर 1 एग्जाम, स्किल टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और इंटरव्यू की डेट अभी नहीं आई है, तो एग्जाम डेट जैसे ही आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो 16 सितंबर से लेके आप 6 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। 16 सितंबर से स्टार्टिंग हो चुकी है और आप फॉर्म भरेंगे 6 अक्टूबर तक। बात करेंगे हम सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा दिल्ली और दिल्ली में ही सेंटर बनाए जाएंगे, साथ ही NCR में भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली NCR के अलावा कहीं भी कोई भी सेंटर नहीं बनेगा एग्जाम के लिए। और एक बात और हम आपको बता दें कि इनमें जो वैकेंसी आई है उनमें रिजर्वेशन, यानी जो SC ST OBC PW एक्सेसमेंट EWS का रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अनुरूप रहेगा। और हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो जो एज लिमिट है वो है 18 से लेकर 27 साल, काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2019 को। तो 1 जनवरी 2019 को आपकी एज कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, PH कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा एक्सेसमैन को उनकी सर्विस लेंथ घटाने के बाद 3 साल की छूट दी जाएगी। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिनकी 3 साल की रेगुलर सर्विस हो चुकी है उनको गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी। और आपके पास जो भी रिलैक्सेशन के लिए आप सर्टिफिकेट क्लेम कर रहे हैं, यानी कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जो भी सर्टिफिकेट आप क्लेम कर रहे हैं इस रिलैक्सेशन के लिए, वो 6 अक्टूबर तक आपके पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और साथ ही एग्जाम मोड की। तो पहला पोस्ट कोड है A1, जिसमें सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की भर्ती की जाएगी। इसके लिए आप ग्रेजुएट होनी चाहिए और आपको 110 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शॉर्टहैंड आती हो और 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग आती हो। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। अब पोस्ट कोड A2 की अगर हम बात करें तो पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, ग्रेजुएट आप होनी चाहिए और आपकी 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से स्टेनो आपको आती हो, शॉर्टहैंड आती हो और 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइपिंग आती हो, साथ ही आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। A3 पोस्ट की अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी आई है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की। इसके लिए आप ग्रेजुएट होनी चाहिए और आपको 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से कंप्यूटर पर टाइपिंग आती हो। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। वहीं A4 जो वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की, उसके लिए आप 12th पास होनी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए IT में, कंप्यूटर फील्ड में, और उन कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट है। तो आप 12th पास हो, आपके पास कंप्यूटर में सर्टिफिकेट हो और आपको डाटा एंट्री की, कंप्यूटर ऑपरेशंस की नॉलेज हो, साथ ही कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेशंस में। इसके लिए आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा और होगा इंटरव्यू। तो चार पोस्ट के लिए एग्जाम मोड सेम ही है, सिर्फ क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये बदल जाएगा। बात करें मोड ऑफ पेमेंट की, तो आप नेट बैंक डेबिट कार्ड के थ्रू फी पे कर सकते हैं, ₹1,000 जनरल OBC कैंडिडेट के लिए। वहीं ₹500 फीस होगी SC ST PH और EWS कैंडिडेट के लिए। तो जनरल OBC के कैंडिडेट ₹1,000 जमा कराएंगे, वहीं ₹500 जमा कराएंगे SC ST PH और EWS कैंडिडेट। बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो एग्जाम होगा वो इस प्रकार होगा। पहले हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम की, तो इसमें 3 पार्ट आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। पार्ट 1 होगा जनरल इंग्लिश एंड कम्प्रिहेंशन का, 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। दूसरा पार्ट होगा जनरल नॉलेज का, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। और तीसरा होगा जनरल इंटेलिजेंस का, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। तो 90 क्वेश्चन होंगे, 90 मार्क्स होंगे और टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट का। वहीं अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट की, तो इसमें 3 पार्ट होंगे, आपको निबंध लिखना होगा 250 वर्ड का, एक होगा ये और मार्क होंगे 30। ग्रामर के 25 अंक होंगे और ट्रांसलेशन के होंगे 25 अंक, टोटल मार्क्स होंगे 75, टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट का। अगर हम बात करें जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो इसके
एग्जाम में तीन पार्ट होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप वाले में, इसमें जनरल इंग्लिश एंड कम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज और जनरल इंटेलिजेंस। इंग्लिश आएगी 60 अंकों की, जीके आएगी 30 की, जनरल इंटेलिजेंस आएगी 30 की, 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के और टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट का यानी 2 घंटे का। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए आपको एक अंक मिलेगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी और पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा और ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। अगर हम बात करें स्किल टेस्ट की तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा उसमें जनरल वालों को 50%, जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं रिजर्व कैटेगरी से उनको 45% लाना होगा, उसके बाद ही उनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट चेक किया जाएगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में भी आपको 50% और 45% लाना होगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट में आपको सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 110 वर्ड परमिट, वहीं पर्सनल असिस्टेंट के लिए 100 वर्ड परमिट की स्पीड से स्टेनोग्राफी स्किल्स दिखाने होंगे और 40 वर्ड परमिट की स्पीड से आपको टाइप करना होगा। आपको टोटल 550 वर्ड दिए जाएंगे सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए, वहीं पर्सनल असिस्टेंट के लिए दिए जाएंगे 500 वर्ड और इसमें 4% तक मिस्टेक मान्य है, उसके आगे मान्य नहीं होगी। अगर हम बात करें स्किल टेस्ट की, जो टाइपिंग टेस्ट होगा जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो इसमें आपको 50% मार्क्स लाने होंगे जनरल वालों को ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, वहीं जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 45% लाने होंगे। इसके बाद होगा जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा और इसमें आपको निबंध लिखना होगा, जिसके लिए आपको 50 अंक मिलेंगे 300 शब्दों का ये होगा और ग्रामर आएगी 30 अंक की, ट्रांसलेशन आएगा 20 अंक का। इस प्रकार आपके टोटल मार्क्स हो गए 100, इसमें आपको 50% लाना होगा, वहीं जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 45% लाना होगा। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर सबके लिए आयोजित कराया जाएगा। हालांकि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम आते हैं तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को हटाया भी जा सकता है। अब बात करते हैं टीयर 4 की इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू जो होगा वो 10 अंकों का होगा सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के लिए, उसमें आपको मिनिमम 4 मार्क्स लाने होंगे। वहीं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए 30 अंकों का होगा, इसमें आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने होंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 35 मार्क्स का होगा, इसमें भी आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने होंगे। तो ये तो बात होगी सिलेक्शन प्रोसीजर की। एक बात और हम आपको बता दें कि ये जो एग्जाम होगा ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा, इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। अब बात करें हम आवेदन करने की, तो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन, आप जाएंगे की वेबसाइट पर, साथ ही हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके भी सीधे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फीस हम आपको बता चुके हैं 1000 रुपये जनरल ओबीसी के लिए, वहीं 500 रुपये है SC ST और EWS कैंडिडेट के लिए। तो साथ ही इस भर्ती के लिए फॉर्म शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है 6 अक्टूबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।